ये तो अपनी राजनीति करते रहेंगे कि आपकी जान इतनी सस्ती है कि कोई भी असामाजिक तत्व आकर बस में चढ़ जाएगा और आपको धारदार हथियार से घायल कर देगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारे साथ में जो राजनीति हुई है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के आपसी जो इनके झगड़े हैं, उसमें इन 10,000 परिवारों को जो है ना इनका नुकसान हुआ है। एक लेटर इन्होंने जारी किया, उसमें ये साफ साफ लिखा था कि आप आज के बाद में ड्यूटी पर नहीं आएंगे, अपने घर बैठे। ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है, भाजपा के भी नहीं है, जिसके पास में हम ज्ञापन लेके नहीं गए हैं। हम सबके पास चले गए, वहाँ से सिर्फ हमें आश्वासन मिला है, काम नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। मेरे पीछे जो सज्जन आप लोग देख रहे हैं, ये 4-5 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनके हाथ में आप पोस्टर देख सकते हैं, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। मैं बेरोजगार सिविल डिफेंस बस मार्शल हूँ, मैंने कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर दिल्ली की सेवा की है, आज मेरा परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है। इस तरीके के तमाम 3 पोस्टर्स हैं और ये 4 लोग जो हैं यहाँ आए हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे कि इनको तकलीफ क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं आप। आपके चैनल का धन्यवाद। हम तो ये चाह रहे थे कि सरकार अगर पहले जाग जाती तो 10,792 पर जो परिवार है इनके साथ में अन्याय नहीं होता। पिछले 5 महीने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली सचिवालय के पास में। 31 अक्टूबर 2023 को एक समन जारी हुआ कि आप लोगों को नौकरी से निकाला जाता है, तो एक साथ एक झटके में बिना किसी हमारी गलती के, देखिए एक तो ये होता है अगर हम कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो हमें गलती पर निकाला जाता है, हमें तो बिना गलती पर निकाला है। हमने कोविड से लेके और अलग अलग जगहों पर दिल्ली की सेवा की है, हमने अपनी जान को जोखिम में डालकर, जैसे कि आपने पोस्टर में पढ़ा है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो ये वो मार्शल है जो यहाँ पे बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें जो जिसमें महिलाओं के लिए फ्री है। उस बस में एक सीट होता था जिसपे एक बैठते थे वर्दी पहन के, उसको हटा दिया गया है, उसी को लेके। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, ये किसकी जिम्मेदारी, किसके अधीन है? मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे साथ में जो राजनीति हुई है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के आपसी जो इनके झगड़े हैं, उसमें इन 10,000 परिवारों को जो है ना इनका नुकसान हुआ है, वो मैं बताता हूँ कैसे। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महिला सुरक्षा दिल्ली में क्यों ज़रूरी है। आप भी जानते हैं कि 2013 में जो एक कांड हुआ था, निर्भया कांड, जिसके बाद में पूरा देश शर्मसार हुआ था, ये आप भी जानते हैं। इस समय सुबह के समय में बसों के अंदर कोई भी मार्शल नहीं है, ना तो बुजुर्ग सेफ हैं ना महिलाएं सेफ हैं। आप ही बताइए, अगर इनको नौकरी से निकाल कर अगर कोई भी ऐसी घटना होती है बस के अंदर, बसों में, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? LG साहब लेंगे, केंद्र सरकार लेगी या दिल्ली सरकार लेगी? मेरा दूसरा सवाल, पिछले 5 महीने से जो हम बेरोजगार बैठे हैं, मैं अगर आपको बोलूं, दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी में 5 महीने से अगर कोई बिना रोजगार के अपना घर चला सकता है तो वो नहीं चला सकता, इम्पॉसिबल है। अभी फिलहाल क्या है कि जैसे तैसे हम अपना उधार वगैरह मांगकर अपना घर चला रहे हैं। जब आपको निकाला गया नौकरी से तो आपको क्या कहा गया? कुछ तो बोला होगा कि भाई कुछ जरूरत नहीं है, या फिर अब इस पदों की जरूरत नहीं है, हमें एक्स्ट्रा लोग हैं, या नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इनका सिर्फ एक लेटर इन्होंने जारी किया, उसमें ये साफ साफ लिखा था कि आप आज के बाद में ड्यूटी पर नहीं आएंगे, अपने घर बैठेंगे। उसमें रीज़न ये था कि जो सिविल डिफेंस में जो एक्ट है 1968 का, उसमें कुछ कमियाँ बताई गई थी। तो मेरा सवाल उन सरकार से है, अधिकारी से है, केंद्र सरकार से है, कि आज 2015 में हम लोग लगे थे, आज 2024 चल रहा है, आपको 9 साल में ये इतना समय लग गया देखने के अंदर कि 1968 के एक्ट के मुताबिक ये लोग नहीं लग सकते। नियुक्ति की है दिल्ली सरकार ने? जी बिल्कुल, उसमें आप ही जानते हैं IAS IPS अधिकारी होते हैं, उन लोगों ने हमारे इंटरव्यू लिए थे, उनके द्वारा नियुक्तियाँ हुई थी। एक बात बताइए, ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का आपने ये लोगो बना रखा है, ये क्यों? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, मैं आपको बताया ना, ऐसा कोई भी मंत्री है दिल्ली सरकार में, ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है, भाजपा के भी नहीं है, जिसके पास में हम ज्ञापन लेके नहीं गए हैं। हम सबके पास चले गए, वहाँ से सिर्फ हमें आश्वासन मिला है, काम नहीं हुआ है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आपका काम कर देंगे, लेकिन अब हम उनके पास जाते हैं तो अब वो बोलते हैं कि चुनाव के बाद आना, मतलब कि उनके लिए सीट प्यारी है। 10,792 जो परिवार है वो भूखे मरते रहे, वो उनके लिए जरूरी नहीं है। ये लोगों हमने इसलिए बनाया है। लोगों ने कितनी बार ये प्रोटेस्ट किया है? मैंने तो आपको पहली बार देखा है। मैं वही बता रहा हूँ, आज हमारे प्रोटेस्ट का 3रा दिन है, ये हमने पोस्टर कैंपेन बनाया है। अच्छा, ये आपको निकाला कब गया था नौकरी से? 31 अक्टूबर 2023। 31 अक्टूबर, और आज कितने दिन हो गए? लगभग 6 महीने हो गए। तो आपको अभी क्यों सूझा कि अभी करते हैं, अक्टूबर से ही करना चाहिए था? देखिए, जब मैं फिर आपको इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि हम सभी मंत्री सांसद के पास जा चुके हैं, जब वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है,
तब हमें लगा है कि जो महिला सुरक्षा का मुद्दा वो महिलाओं से जुड़ा है, तो क्यों ना हम पब्लिक के बीच में महिलाओं से जाकर बात करें कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किन के हाथों में है। ये तो अपनी राजनीति करते रहेंगे कि आपकी जान इतनी सस्ती है कि कोई भी असामाजिक तत्व आकर बस में चढ़ जाएगा और आपको धारदार हथियार से घायल कर देगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो सरकार खुद जिम्मेदार होगी ना। बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ, इनको देखो जब तक तो कोई बड़ी घटना नहीं होती जब तक तो सरकार जागती नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, उसके लिए कोई नहीं है, अगर कुछ हो जा रही है या कुछ उसकी जिम्मेदारी तो लेगा। आप अपनी नौकरी की बात करें कि उन्होंने नौकरी के लिए क्या कहा कि इसके बदले में वो कुछ नौकरी देंगे या फिर इसी को बहाल करेंगे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया या फिर बोले चुनाव के बाद ही? अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि दिल्ली विधानसभा में 2 दिन का सत्र लगा था तो उसमें पुणे बहाली के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ था, रेजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन अभी भी वो अटक गया है। मैंने बताया ना एलजी साहब और आपस में इनकी खींचतानी की वजह से हमारा काम रुक गया है, कोई अपडेट देने को तैयार नहीं है। बीजेपी के पास जाते हैं वो बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद आना, इलेक्शन के बाद मिलना, तो तब तक ये 10,000 परिवार कहाँ जाएंगे? चलिए आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ, प्राइवेट बसें जो दिल्ली में चलती हैं, जो केजरीवाल द्वारा चलाया गया है, उस पर एक मार्शल सीट होते थे जिसपे कि 10,000 लोग नियुक्त थे, उनको बिना एक नोटिस जारी के कि कुछ एक्ट में जो है, कौन सा एक्ट था वो 1968 का जो एक्ट था उसमें कुछ संशोधन करना है, वो सही तरीके से नहीं पारित हुआ है तो उस पर संशोधन करके फिर हम आप लोगों को बताएंगे। और यही इसका वजह बताते हुए इन 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस बात को पूरे 6 महीने हो चुके हैं, अब अगर ये लोग जाते हैं सरकार के पास, भाजपा या किसी के पास, तो कहते हैं चुनाव के बाद आने के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों की क्या राय है इस मामले में। बात बाकी देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।